हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 6th of March और आज से शुरू हो रहा है एक नया जगह। मैं जा रही हूँ बहुत लंबे एक ट्रिप पे, तो चलिए दिखाती हूँ कहाँ जा रहे हैं। अभी नहीं बता रही, वो सस्पेंस है। तो अभी मैं हो गई हूँ पूरी रेडी। अभी घंटी में बज रहे 12:30, मैं पूरी तरीके से रेडी हूँ। अभी थोड़ी देर में हम स्टेशन के लिए निकल रहे, तो लेट्स सी हम कहाँ जा रहे हैं। तो अभी फाइनली हम निकल चुके हैं घर से, वेट कर रहे हैं लिफ्ट का। ये गए हम लिफ्ट के अंदर, दबाया ग्राउंड और अभी हम चलते हैं स्टेशन की तरफ। बहुत लेट हो गए हैं हम। फाइनली हम ट्रेन में चढ़ गए हैं, ट्रेन भी हमारा रवाना हो चुका है। इतना ज़्यादा हेक्टिक हो गया था ना कि मैं वीडियो ही नहीं बना पाई स्टेशन में। देखिए कितने तेज़ी से हमारा ट्रेन आगे बढ़ रहा है। तो हम जा रहे हैं 12552 कामाख्या SMBT AC सुपरफास्ट एक्सप्रेस से, जो कि वेडनेसडे दोपहर 1:50 में छोड़ता है और फ्राइडे जाके बैंगलोर पहुंचता है शाम को। तो चलिए चलते हैं और रास्ते में बताती हूँ आगे क्या क्या होता है। लेट्स सी। हमारा ट्रेन आके रुका है NGP स्टेशन में। तो यहाँ हमारे ट्रेन का हॉल्ट है 15 मिनट्स। ट्रेन 5-10 मिनट लेट चल रहा है, तो देखते हैं चलिए क्या होता है। वो देखिए 3 कुत्ते कितने अच्छे से खेल रहे हैं, आई थिंक दे आर हंग्री। तो अभी हम सोते हैं, ये दूसरे दिन का ये सुबह है। गुड मॉर्निंग ऑफ Day 2 एट ट्रेन। तो हमारा ट्रेन अभी 2 घंटे हो चुका है लेट। तो हम बैठे हुए ट्रेन में, ये हम पहुंच गए दुर्गापुर स्टेशन। यहाँ से हमारा ट्रेन उल्टा जाएगा, मतलब रिवर्स डायरेक्शन में इसका इंजन लगेगा। यहाँ पे हमारा स्टॉप है 20 मिनट्स और हमारा ट्रेन अभी के लिए 2 घंटे लेट है। तो चलिए चलते हैं दुर्गापुर स्टेशन में। काफ़ी भीड़ है, लगता है कोई लोकल ट्रेन आने वाला है। हाँ, वैसे भी लोकल ट्रेन की वजह से इतना ज़्यादा भीड़ होता है ना कि क्या बोलें। वो देखिए लोग पूरा वेट कर रहे हैं कि कब ट्रेन में आएगा और वो भाग भाग के ट्रेन में चढ़ेंगे। तो ये हमारा ट्रेन निकल चुका है दुर्गापुर से आगे की तरफ। अभी हमारा नेक्स्ट स्टॉप है आसनसोल, जहाँ पे हमारे ट्रेन का स्टॉप है 5 मिनट्स। तो चलिए ये हम बढ़ रहे हैं आगे की तरफ। कितने सारे नए नए नज़ारे देखते हुए चल रही हूँ। दिस इज़ अ रियली स्पेशल जर्नी फॉर मी। ऑल्दो ऑलमोस्ट 50 आवर्स का जर्नी है, बट स्टिल अच्छा लग रहा है कि इतना सब कुछ नया नया देखने को मिल रहा है। नई नई चीज़ें, नया रूट, नया स्टेशंस, सब कुछ नया है। इस रूट पे मैं पहले कभी नहीं आई हूँ। तो चलिए नज़ारा देखते देखते चलते हैं। ये हमारा दूसरा दिन है ट्रेन में, तो लेट्स गो। खुद को दिखाना भी ज़रूरी है, तो मैं ये अपने आप को दिखा रही हूँ कि मैं कितनी गंदी और कितनी टायर्ड लग रही हूँ ट्रेन में बैठ बैठ के। एक्चुअली आई एम वेरी मच टायर्ड। मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गई हूँ ट्रेन में बैठ बैठ के, क्योंकि इतना लंबा जर्नी करने का आदत नहीं है ना मुझे। तो चलिए ट्रेन तो आगे बढ़ रहा है, रास्ते में रुक रहा है और लेट हो रहा है। पता नहीं कब पहुँचेंगे हम कल, अभी तो फ़िलहाल ट्रेन में ही रुकना है। तो या चलिए, ये पता नहीं कौन सा स्टेशन है, दूर से दिख भी नहीं रहा है। तो या चलिए चलते हैं आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा स्टेशन में, मतलब ट्रेन के सामने दरवाजे के पास आके थोड़ा सा रुकी थी। तो ये देखिए हम खा रहे दही, विच इज़ वेरी गुड फॉर हेल्थ, यू नो, गट। और ये हो गया है रात, हमने डिनर भी कर लिया। अभी हम चलते हैं सोने, आज का दिन भी ख़त्म। अभी पता नहीं कल सुबह क्या होगा, अभी तो फ़िलहाल सोना है। So good night guys, see you tomorrow. Good morning. हो गया है दूसरे दिन, मतलब तीसरे दिन का सुबह। तो अभी हमारा ट्रेन चल रहा है। इट्स इन आंध्र प्रदेश राइट नाउ। तो ये स्टेट ख़त्म करके हम कर्नाटका में घुसेंगे, विच इज़ बैंगलोर। तो चलिए नज़ारा देखते देखते आगे बढ़ते हैं। अभी हमारा ट्रेन ऑलमोस्ट हो चुका है 3 hours 26 minutes लेट। कैन यू इमेजिन, माई गॉड, इतना लेट हो चुका है।
हमारी ट्रेन रवाना हो चुकी है पेरम्बलूर जंक्शन से। हमारा अगला स्टॉपेज है कटपट्टी जंक्शन, उसके बाद है जुलारपट्टाई, उसके बाद बैंगलोर। तो हमारा ट्रेन अभी हो चुका है 4.5 घंटे लेट, तो चलिए चलते हैं, देखते हैं कब पहुँचते हैं हम बैंगलोर। में बज रहे 4:30 और अभी हम पहुंच चुके हैं कटपट्टी जंक्शन। यहाँ पे हमारा ट्रेन का स्टॉपेज है 10 मिनट्स, यहाँ से हम निकल के नेक्स्ट स्टॉप है हमारा जुलारपट्टाई। तो चलिए चलते हैं। ट्रेन में मुझे मिल गई अभी साइड बर्थ, तो मैं अभी साइड बर्थ में बैठ के आराम से बाहर का नज़ारा देख रही हूँ। ये रहे पापा। तो अभी शाम होने को है, नज़ारा बहुत सुंदर है बाहर का, पूरा सनसेट हो रहा है। तो चलिए चलते आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कब तक पहुंचते हैं हम बैंगलोर। फाइनली 4.5 घंटे लेट होने के बाद अभी हम पहुंच गए हैं SMVT बेंगलुरु, मतलब हम पहुंच चुके हैं बैंगलोर। तो ये हम उतर गए ट्रेन से, जीजू हमें लेने आ चुके हैं। तो हमारा ट्रेन अभी रुका हुआ है SMVT के 7 नंबर प्लेटफॉर्म में। तो अभी हम चलते हैं घर की तरफ। ये देखिए कितना बड़ा स्टेशन है, लगता है कि ये एयरपोर्ट है स्टेशन कम। तो चलिए हम वेट कर रहे हैं कैब के लिए, कैब आएगा तो हम निकल जाएंगे घर के लिए। घर यहाँ से 7 किलोमीटर दूर है। तो अभी हम बैठ चुके हैं कैब में, हम अभी चलते हैं दीदी के घर की तरफ, वहाँ जाके देखते हैं फिर गप्पे उप्पे पे लड़ाएंगे। बहुत दिनों बाद मैं मिल रही हूँ दीदी और जीजू से, तो बहुत एक्साइटेड हूँ इस बार। चलिए चलते हैं रास्ते बैंगलोर का सिटी देखते देखते घर तक चलते हैं। लेट्स गो। अभी तो रात का टाइम है, तो अभी थोड़ा बहुत तो ठंड है, थोड़ा सा अच्छा वेदर है, पता नहीं सुबह क्या होगा। बोल तो रहे थे जीजू की बहुत गर्मी है। तो चलिए घर की तरफ चलते हैं। ये हम पहुंच चुके हैं घर, हमने खाना वाना खा लिया, अभी हम थोड़ा गप्पे लड़ाएंगे, उसके बाद हम खाना खा के, मतलब खाना वाना तो हो गया, उसके बाद हम सो जाएंगे। मिलते हैं फिर कल सुबह। चलिए गुड नाइट, बाय।